कहानी चौदवी इसराइली लोका रा जंगला च पटकना। इसराइली लोका जो सारे नियम बताने ते बाद परमेश्वर ने सीने पर्वता ते अगे तिना लोका री अगवाई कीती। परमेश्वर तिना जो वादे रा देसच ले जाना चाह था ए देश कनाना रे नावा ते भी आ था। परमेश्वर बादला रे खंभे च तिना रे अगे अगे चलिया और से तिना रे पीछे चले। परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक याकूबा कने कसम खाई थी कि से वादे वाला देश तिनारे कुल्ला जो देंगा। तब तिथि अब बहुत सारी जातियां रे लोग रहे थे से कनानी थे। ये सारे लोग परमेश्वर की पूजा नहीं करते थे और तीसरी आज्ञा नहीं मानते थे। से झूठे देवताओं की पूजा करा थे और बुरे काम करा थे। परमेश्वर ने इसराइलिये जो बोलिया जब तुसे तीस कसम वाले देशा च जाओ तब सब कनानियां ते दूरी करी लेना। तिना कने समझौता नहीं करना और तिना कने ब्याह नहीं करना। तुसा जो तिनारी सारी मूर्तियां जो तोड़ी देना। जे तुसे एड़ा नहीं कित्या तो तुसे मेरी वजह तिनारे देवताओं की पूजा करने लगी जाने। जब इसराइली कनान देश सारी सीमा पर गए तब मूसा ने तिनारे सारे गोताच ते एक एक बारह आदमिया जो लिया और बोलिया कि जाओ और देखो कि ये केड़ा देश आ। तिना जो कनानिया रा भेत लेना था कि से ताकतवर है कि कमजोर। तिना बारह आदमियों ने कनान देशा च 40 दिन घूमे और तब वापस आए गए। तब तिने बताया भई इत्थी बहुत फसल उमाई और बहुत उपजाऊ देश हा। और 10 आदमियों ने बोलिया भई तिना रा नगर बहुत ताकतवर आ और से लोग लंबे चौड़े। जे असे तिना पर हमला कित्या तो तिने असे हराई देने और मारी देने। तभी कालेब यहोशू और 2 आदमियों ने बोलिया कि बेशक से लंबे और ताकतवर है पर असे तिना जो हराई सकाए परमेश्वर असा खतर लड़गा। पर तिना लोका ने कालेब और यहोशुआरी नहीं सुनी। से तिना पर गुस्सा हो गए और बोलिया तुसे असा जो इत्थी क्यों लाए। असा जो मिस्रा च ही रहना चाहिए था। जे असे तिस देशा जाए तो मारे जाए और कनाना रे लोग असारी घरालिया और बच्चा जो गुलाम बनाई लेंगे। से लोग दोबारा मिस्र देश जाने खतर एक नया प्रधान टोलने लगे। जब तिना लोका ने एड़ा बोलिया तब परमेश्वरा जो बहुत गुस्सा आया। से मिलाप वाले तंबुआ ते आया और बोलिया तुसे मेरे खिलाफ विरोध कित्या इत्ते खतर तुसा सभी जो जंगला च रुड़ना पड़ना। तुसा में ते जो 20 साल रहा और तिते ज्यादा से मरी जाना और कदी भी तिस देशा च नहीं पहुँचना जो आऊँ तुसा जो देंगा। सिर्फ कालेब और यहोशू ही तिथि जाने। जब लोका ने एड़ा सुनिया तब से दुखी हुए। तब तिने पाप कित्या था इत्ते खतर तिने कनाना पर हमला करने रा फैसला कित्या। मूसा ने तिना जो तिथि ना जाने रा फैसला कित्या पर परमेश्वर तिना कने नहीं जाना पर से नहीं माने। परमेश्वर तिना कने इस लड़ाईया च नहीं गया इत्ते खतर कनानिया ने तिना जो हराईता और बहुत मरी गए। तब इसराइली तिथि ते वापस मुड़ी गए और 40 साल खतर जंगला च फिर दे रहे। इसराइली 40 साल तक जंगला च घूमते वक्त परमेश्वरा ने तिनारी सारी जरूरत पूरी कीती। तिने तिना जो स्वर्गारी रोटी मन्ना दिती। परमेश्वरा ने तिना खतर बटेर रे झुंड भेजे इत्ते खतर कि तिना के खाने खतर मास हो। जब तक से जंगला च रहे तब तक परमेश्वरा ने तिनारे कपड़े और जूते फटने नहीं दिते। परमेश्वरा ने तिनारे पीने खतर चमत्कार कित्या और चट्टाना ते पानी कढ़िया। पर इत्ते बाद भी इसराइली लोग परमेश्वरा रे और मूसा रे खतर बोले और बुड़बुड़ाए। तब भी परमेश्वर दयावान था। तिने जो वादा कित्या था अब्राहम इसहाक और याकूबारे वंशा खतर करगा से कित्या। एक बार दोबारा इसराइली गे पानी नहीं था। परमेश्वर ने मूसा जो बोलिया चट्टाना कने बात कर तब तीते ते पानी निकलना। पर मूसा ने एड़ा नहीं कित्या। तिने चट्टाना पर 2 बार चोट मारी। तिने परमेश्वर रा अपमान कित्या। सभी खतर पानी तो निकलीगा पर परमेश्वर मूसा कने गुस्सा हो गया। तिने बोलिया ते मेरा अपमान कित्या इत्ते खतर तू वादे रे देशा च नहीं जाई सकता। जब इसराइली 40 साल तक जंगला च भटकते रहे तब तिने परमेश्वर रे खिलाफ विरोध कित्या से सब मरी गए। तब परमेश्वर तिना लोका जो दोबारा तिस वादे रे देशा तक ले गया। अब मूसा बूढ़ा हो गया था। तब परमेश्वर ने लोका री अगवाई खतर यहोशुआ जो चुनिया। परमेश्वर ने मूसा कने वादा कित्या था वैसे एक दिन तीना लोका गे मूसा साई एक भविष्यवक्ता भेजेगा। परमेश्वर ने तब मूसा जो एक पर्वतारी चोटिया पर जाने जो बोलिया ताकि सेवादेरे देशा जो देखी सको। मूसा ने सेवादेरा देश देखा
पर परमेशरा ने तिसो तिते जाने नहीं दित्या। तब मूसा मर गया। इसराइलिया ने 30 दिन तक शोक मनाया। यहोशू तिन्हारा नया प्रधान बनया। यहोशू एक अच्छा प्रधान था। तिने परमेश्वरा पर विश्वास किया और तीसरी बात मनी।